हेलो एंड वेलकम बैक अब इस वीडियो में हम कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के कुछ सोल्ड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले एग्जांपल है वो है अ मर्चेंट गिव्स हिज एजेंट फाइव परसेंट ऑर्डिनरी कमीशन प्लस टू परसेंट डेल क्रेडेर कमीशन तो सेल्स के लिए फाइव परसेंट कमीशन मिल रहा है एंड रिकवरी ऑफ क्रेडिट सेल्स यानी डेल क्रेडेट के लिए उसे मिल रहा है टू कमीशन ऑन द सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज फिफ्टी फाइव थाउजेंडो थाउजेंड का क्वेश्चन हाउ मच डिसीव तो यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू दी है वो है फिफ्टी फाइव थाउजेंड तो सबसे पहले हम एजेंट का कमीशन कैलकुलेट करेंगे फाइव परसेंट देखिए यहां पर उजेंड so, तो so, ये अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो एजेंट का जो कमीशन आता है वो है टू सेवन फाइव जीरो अब उसे डेल क्रेडिट कमीशन भी मिला है यानी रिकवरी के लिए उसे टू परसेंट मिला है तो फिफ्टी फाइव का हम 2% कैलकुलेट करेंगे सो टू ऑफ फिफ्टी बिकम्स वन तो एजेंट की जो टोटल कमीशन होगी वो इन दोनों का टोटल होगा दैट इज टू सेवन फाइव जीरो प्लस वन थाउजेंड वन हंड्रेड तो ये दोनों को हमने ऐड किया तो एजेंट की जो टोटल इनकम या टोटल कमीशन है वो है थ्री एट फाइव जीरो अब उसने सेल्स किया है फिफ्टी फाइव थाउजेंड का उसमें से थ्री एट फाइव जीरो वो अपना कमीशन डिडक्ट कर देगा तो जो बैलेंस है वो अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द मर्चेंट राइट दैट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द मर्चेंट तो मर्चेंट को कितना अमाउंट मिलता है फिफ्टी फाइव थाउजेंड जो सेल्स था उसमें से एजेंट की जो कमीशन है टोटल कमीशन थ्री एट फाइव जीरो अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो मर्चेंट को जो अमाउंट मिलता है वो है फाइव डबल वन फाइव जीरो अब सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं प्राइस ऑफ अजरेटर इज फोर्टी सेवन थाउजेंड एंड एजेंट चार्जेस एट सिक्स फोर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो सेलिंग प्राइस दिया है रेफ्रिजरेटर का फोर्टी सेवन थाउजेंड और एजेंट कमीशन चार्ज कर रहा है सिक्स परसेंट और टोटल उसका जो इनकम हुआ है मतलब टोटल कमीशन जो उसे मिला है वो है फोर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फाइन द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड तो पहले हम एक रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं नाउ द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एक रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस है एजेंट को कमीशन मिलेगा छः परसेंट करेक्ट दिक्स परसेंट यू टू कैल्कुलेट कमीशन सो फोर्टी सेवन थाउजेंड का अगर हम सिक्स परसेंट कैलकुलेट करते हैं सिक्स अपॉन हंड्रेड ऑफ फोर्टी सेवन थाउजेंड वी गेट टू एट टू जीरो करेक्ट तो ये आ गया हमारा कमीशन ऑन वन रेफ्रिजरेटर अब हमें टोटल कमीशन दिया हुआ है देखिए फोर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ये हमारा टोटल कमीशन है एंड टू एट टू जीरो कमीशन फॉर वन रेफ्रिजरेटर करेक्ट टोटल कमीशन दिया है फोर्टी टू थ्री हंड्रेड एक का कमीशन मिल गया टू एट टू जीरो सो नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड विल बी टोटल कमीशन अपॉन कमीशन पर रेफ्रिजरेटर

The agent charged 1% commission from both buyer and seller. Right. So one person who buyer charge and one person seller Calculate the agent's commission. Calculate the net amount received by the seller and the amount paid by the buyer. Now we selling price house ka diya hai 60 lakhs. और कमीशन जो ले रहा है एजेंट वो है वन परसेंट तो पहले हम वन परसेंट ऑफ सिक्सटी ये कैलकुलेट कर देते हैं सो कमीशन ऑन द सेल ऑफ हाउसेस वन परसेंट दैट इज वन बाय हंड्रेड ऑफ सिक्सटी तो ये आ जाता है जीरो पॉइंट सिक्स लैक ओके तो कमीशन वन परसेंट के हिसाब से कितना हुआ जीरो पॉइंट सिक्स लाख अब जीरो पॉइंट सिक्स उसे बायर एंड सेलर दोनों से मिल रहा है ठीक तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा 0.6 प्लस 0.6 ये हो जाता है 1.2 लाख तो एजेंट का जो टोटल कमीशन है दोनों पार्टीज से वो है 1.20 लाख अब तो प्राइस पेड बाय द बायर अब बायर तो ऑब्वियसली पहले तो वो सेलिंग प्राइस उसे पे करना होगा दैट इज 60 लाख प्लस उसको जो कमीशन भी पे करना है दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पैसे पे किए है इट इजी पॉइंट लाख सो प्राइस पेड बाय द बायर इज दुपीज लाख राइट ये तो सेलिंग प्राइस सॉरी परचेज प्राइस हुआ उसका और ये वन परसेंट कमीशन हो गया उसका सो so, टोटल उसको कितना पे करना पड़ा सिक्सटी पॉइंट सिक्स जीरो लैख ना दिसीव्ड बाय द सेलर प्रॉपर्टी uh, की वैल्यू दी है सिक्सटी लाख उसमें से जीरो पॉइंट सिक्स जीरो मिलेगा सो द अमाउंट बायर इज सिकीरो सेलर को कितना मिलता है फिफ्टी नाइन पॉइंट फोर लाख और वी कैन से इट इज फिफ्टी नाइन लाख फोर्टी थाउजेंड यहां पर भी हम लिख सकते थे इट इज सिक्सटी लाख सिक्सटी थाउजेंड ओके राइट दी आंसर इन डेस एम या फिर आप पूरा कंप्लीटली जीरो जीरो फॉर्म में लिख लीजिए यह भी चलेगा सो दिस यू कैन राइट दिक्सटी लैखी थाउजेंड ऑल्सो ओके सो रिमेंबर यहाँ पे पॉइंट सिक्स लैख उसको दोनों पार्टी से ईच फ्रॉम ईच पार्टी मिल रहा है तो दोनों पार्टी से कितना मिल रहा है वन पॉइंट टू लैख अब यहां पर भी आप वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड लिख सकते हो ओके okay? लाख so उसका टोटल इनकम हो गया बायर कितना पे कर रहा है सिक्सटी प्लस पॉइंट सिक्स उसको एडिशनल देना पड़ेगा तो लाख जीरो पॉइंट सिक्स लाख लेस मिलेगा तो so सिक्सटी में से जीरो पॉइंट सिक्स लेस कर दिया तो वी गेट फिफ्टी नाइन लैख फोर्टी थाउजेंड अब क्वेश्चन फोर डिस्कस करते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गेट्स अ फिक्सड मंथली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स तो उसे फिक्स सैलरी भी मिल रही है एंड जितना वो सेल्स करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे कमीशन भी मिलती है नाइन टू सक्सेसि रिसीव्ड रुपीज ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड रुपीज ट्वेंटी फोर टू फिफ्टी ऑन द सेल ऑफ सेवेंटी थाउजेंड एंड रुपीज एटी फाइव थाउजेंड रिस्पेक्टिवली तो फर्स्ट मंथ में उसने सेल किया है सेवेंटी थाउजेंड का और उसकी इनकम हुई है ट्वेंटी थ्री फाइव हंड्रेड फॉर सेकेंड मंथ सेल्स दिया है एटी फाइव थाउजेंड और उसकी इनकम है ट्वेंटी फोर टू फिफ्टी फाइन द मंथली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसकी जो इनकम है इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट उसको सैलरी भी मिल रही है प्लस कमीशन ऑन सेल्स भी मिल रहा है राइट सो इनकम इज सैलरी प्लस द कमीशन तो ये इक्वेशन आपको याद करना होगा राइट सो इनकम कंप्राइजेस ऑफ द सैलरी एंड द कमीशन कमीशन ऑन द सेल्स तो फर्स्ट मंथ का अगर हम देखें तो इनकम कितना है

तो सेकेंड इक्वेशन मिलता है ट्वेंटी फोर टू फिफ्टी इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल सेल्स कितना है एटी फाइव थाउजेंड का तो ये दो इक्वेशन मिल गए अब अगर इन दोनों को हम सप्रैक करते हैं तो सैलरी और ये सैलरी पार्ट कट हो जाता है इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेते हैं टू फोर टू फाइव जीरो एंड टू थ्री फाइव डबल जीरो आ जाता है सेवन फिफ्टी एंड सेल्स का जो डिफरेंस है एटी फाइव थाउजेंड एंड सेवेंटी थाउजेंड इनका डिफरेंस आता है फिफ्टीन थाउजेंड ओके मतलब सेवन फिफ्टी कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड तो ये कितना परसेंटेज हुआ इसलिए इसको हम क्या करते हैं इन टू हंड्रेड सो सी सेवन फिफ्टी थाउजेंड इन टू हंड्रेड तो यहाँ से हमें रेट ऑफ कमीशन मिल जाएगा एंड इफ यू कैलकुलेट दिस दो गए ये तीन जीरो so, आ जाता है फाइव परसेंट ओके अब हम फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं देखिए फर्स्ट केस में सेल्स कितने का हुआ है सेवेंटी थाउजेंड का अब कमीशन रेट तो हमें मिल गया फाइव परसेंट राइट तो सेवेंटी थाउजेंड का आप सेकेंड केस भी यूज कर सकते हो लेट्स गो द फर्स्ट केस तो सेल्स सेवेंटी थाउजेंड फाइव परसेंट अगर उसका हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके अब फर्स्ट मंथ में उसका सेल्स सॉरी इसकी इनकम कितनी थी ट्वेंटी थ्री फाइव हंड्रेड ओके एंड दिस वॉज सैलरी प्लस द कमीशन अभी कमीशन तो हमने कैलकुलेट कर दिया राइट सेवेंटी थाउजेंड का फाइव परसेंट इज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये कमीशन तो हमको मिल गया इधर सो इफ वी सप्रैक्ट यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी द फिक्स्ड सैलरी की सो इफ़ वी द टू देखिए थ्री फाइव हंड्रेड में से अगर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेस करते हैं तो आपको सैलरी मिल जाती है ट्वेंटी थाउजेंड सो इफ यू टेक द डिफरेंस यू गेट सैलरी एज ट्वेंटी थाउजेंड सेम कैलकुलेशन हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी यूज कर सकते थे वहां पे कमीशन ऑन सेवेंटी थाउजेंड के बदले विल कैलकुलेट कमीशन ऑन एटी फाइव थाउजेंड और वो जो कमीशन आएगा वो हम ट्वेंटी फोर टू फिफ्टी में से लेस कर देंगे तो वहां से भी हमें सैलरी मिल सकती है ओके सो यू कैन यूज ईदर ऑफ द टू इक्वेशन तो रेट ऑफ कमीशन आया हमारा फाइव परसेंट एंड जो फिक्स्ड उसकी सैलरी है वो है ट्वेंटी थाउजेंड